पुण्यो श्रावक। मगध देश में राजगृही नामक नगरी थी। उसमें पुनमचंद नाम के सेठ रहते थे। सेठ पुनमचंद अनगिनत संपत्ति के मालिक तो थे, साथ अखंड धर्म साधना के भी मालिक थे। एक दिन की बात है, राजगृही नगरी में भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं। भगवान महावीर स्वामी देशना में अपरिग्रह की महिमा सुनाते हैं। परमात्मा की देशना सुनकर सेठ पुनमचंद और उनकी धर्मपत्नी परमात्मा के पास अभिग्रह लेते हैं। 25 टोकड़े से ज्यादा परिग्रह न करना। सेठ पुनमचंद 12.5 टोकड़े की रुई खरीदकर उसका पिंजन कर बाजार में 25 टोकड़े में बेचते हैं। लाभ के 12.5 टोकड़े में से सेठ सेठानी दोनों एक समय भोजन एकासना करते हैं और शेष समय में सामायिक करते हैं। रुई की पूनी के पिंजन का कार्य करने के कारण सेठ पुनमचंद का दुलारा नाम होता है पुण्योश्रावक। परमात्मा महावीर स्वामी की देशना में पुण्योश्रावक एक बार साधार्मिक भक्ति का महिमा सुनते हैं और हर रोज एक साधार्मिक की भोजन भक्ति करने का निश्चय करते हैं। एक दिन सेठ उपवास करते हैं और दूसरे दिन सेठानी उपवास करती हैं। हर दूसरे दिन उपवास करके भी हर रोज साधार्मिक भक्ति का लाभ लेते हैं। एक बार राजा श्रेणिक परमात्मा महावीर से पूछते हैं, प्रभु, मैं यहाँ से मृत्यु के बाद कहाँ जाने वाला हूँ? परमात्मा कहते हैं, नरक। राजा श्रेणिक पूछते हैं, प्रभु, नरक से बचने का कोई उपाय है? परमात्मा कहते हैं, हाँ। श्रेणिक, तुम्हारी सेविका कपिला के द्वारा दान दिलाइए। हर रोज 500 भैंसे को मारने वाले काल सौरिक कसाई की हिंसा एक दिन के लिए रुकवा दीजिए, अथवा पुण्य श्रावक की एक सामायिक का फल ले आइए, तो निश्चित ही आप नरक जाने से बच जाएंगे। राजा श्रेणिक प्रथम दोनों उपायों में निष्फलता मिलने के बाद पुण्य श्रावक के घर पहुंचते हैं और एक सामायिक के फल की मांग करते हैं। तब पुण्य श्रावक कहते हैं, राजन, आपका पूरे मगध का साम्राज्य दे फिर भी एक सामायिक का मूल्य नहीं आका जाएगा। फल की प्राप्ति के लिए तो स्वयं ही सामायिक करना पड़ता है। राजा श्रेणिक कहते हैं, श्रावक, सही अर्थ में राजा मैं नहीं, आप हैं। सही संपत्ति आपके पास है। मेरी संपत्ति किस काम की, जो मुझे नरक जाने से बचाने में असमर्थ है? राजा श्रेणिक पुण्य श्रावक और उनकी सामायिक को वंदन करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको राजा बनकर नरक जाना है या पुण्यो बनकर मोक्ष में जाना है? मोक्ष में। तो फिर आज से हर रोज एक सामायिक अथवा तो कम से कम महीने में 5 सामायिक करने का निश्चित करें। प्रॉमिस।